पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या की गूंज देश भर में सुनाई थी। जहां सरकार पूरे मामले पर बैकफुट पर दिखी, तो वही विपक्ष इसे भुनाने में जुट गया। इस कड़ी में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के सत्तारूढ़ गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने आज महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया। बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। महाविकास अघाड़ी की ओर से कहा गया कि बंद का आह्वान ये बताने के लिए किया गया है कि तीन दलों का गठबंधन देश के किसानों के साथ है। बंद को शांतिपूर्ण तरीके से करने का दावा किया गया था, लेकिन इस बीच तोड़फोड़ की कुछ घटनाएं भी सामने आई। मुंबई में बसों पर पत्थर फेंके गए, जिसके बाद बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट यानी BSES सब बस सर्विस बंद कर दी गई। जानकारी के मुताबिक बेस्ट की 9 बसें, जिसमें एक बस लीज पर ली गई थी, उनको नुकसान पहुंचाया गया। बसों पर ये हमले धारावी, मानखुर्द, शिवाजीनगर, चारकोप, ओशिवारा, देवनार और इन ऑर्बिट मॉल के पास हुए हैं। बसों पर हो रहे हमले को लेकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने नाराजगी जताई है। बंद का असर मुंबई और आसपास के इलाके में सुबह से ही देखने को मिला। दुकानें कमर्शियल मार्केट को बंद रखा गया, जरूरत की चीजें बेचने वाली दुकानों को भी बंद रखा गया। हालांकि आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की अनुमति दी गई थी। उधर बीजेपी ने बंद को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला, कहा कि अगर जबरदस्ती लोगों को बंद के लिए मजबूर किया गया तो हम भी सड़कों पर उतरेंगे। बता दें कि लखीमपुर में प्रदर्शन कर रहे किसानों को गाड़ी से कुचलने का मामला सामने आया था। इसमें 4 किसानों की मौत हो गई थी। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनिक का बेटा आशीष मिश्रा मामले में मुख्य आरोपी है, जिसे लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोप है कि आशीष ही वह कार चला रहा था जिससे किसानों को कुचला गया। हालांकि मंत्री और उनके बेटे ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। अजय मिश्रा को 12 घंटे पूछताछ के बाद शनिवार रात कोर्ट में पेश किया गया था। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था। फिलहाल उसे कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सोमवार को अदालत ने उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। आशीष मिश्रा को लेकर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष राज्य और केंद्र सरकार पर हमलावर है। आशीष के पिता और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेने को बर्खास्त किए जाने की भी मांग लगातार की जा रही है। तो बंद का कितना असर रहा और आखिर विपक्षी पार्टियां उसे कैसे देख रहे हैं, इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अतुल शाह जी जुड़ गए हैं, जो कि स्पोक पर्सन है बीजेपी महाराष्ट्र के। बहुत स्वागत है अतुल जी आपका। डॉक्टर सीमा मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि स्पोक पर्सन है एनसीपी की। सीमा जी बहुत स्वागत है आपका। विक्रम सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, लीडर है शिवसेना के। विक्रम जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा सीमा जी आपसे हैं, डॉक्टर सीमा किस तरह से इसे देखती हैं और कितना असर महाराष्ट्र बंद का महाराष्ट्र में देखने को मिला? देखिए आज बहुत सफल बंद रहा है, मैं कहना चाहूंगी आपको। सब लोगों से रिक्वेस्ट करी थी कि आप लोग सब लोग इसमें आए, क्योंकि ये कि ऐसा विषय है कि अगर हम किसानों के लिए आवाज नहीं उठाते तो कौन उठाएगा। ये हमारे अपने लोग हैं और जिस तरह से उनको कुचला गया है, जिस तरह से उनके साथ जो कुछ भी हुआ है पिछले दिनों में, आप सब लोग इस बात को जानते हैं। देखिए हम लोग अगर आज हम इसको आवाज को नहीं उठाते, जिस तरह से किसान इतने महीनों से बाहर बैठे हुए हैं और कोई भी ये हमारी सरकार के ऊपर कुछ भी मतलब वेरी स्ट्रेंज की कहते हैं कि हम एक कॉल की दूरी पर हैं, पर उन्होंने कोई भी इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। चलिए नहीं लिया आपने, जो भी है इतने किसान मर गए, कभी भी आपने हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक शब्द भी नहीं बोला गया। पर अगर अब लखीमपुर खीरी में जो हुआ है, जिस तरह से उन्होंने मतलब मैं उसको क्या कहूँ कि जिस तरह की बर्बरता वहां देखी गई है, जिस तरह का मैं नरसंहार कहूंगी उसको, जिस तरह से उनको कुचला गया किसानों को, और उसके बाद भी कोई
अगर मेरे ख्याल से विपक्ष इतना आवाज नहीं उठाता तो मुझे नहीं लगता कि ये जो आज उनके बेटे पकड़े गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री के, वो भी नहीं पकड़े जाते। ठीक है सीमा जी, आप बने रहिए हमारे साथ। ठीक है मैं लौटूंगी आपके पास। साथ है इसको कोई भी नहीं करेगा। ठीक है शिवसेना के नेता विक्रम सिंह भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। विक्रम जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, मुंबई में बसों पर पत्थर फेंके गए, जिसके बाद बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक का सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट यानी BSES BEST बस सर्विसेज बंद कर दी गई। आप बताइए, ये भी जा रहा है कि अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या सर इसी तरह के बंद की बात की जा रही थी शिवसेना और NCP और कांग्रेस की तरफ से, इस महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से इसी तरह की बंद की बात की जा रही थी क्या? क्या सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाएगा क्या? देखिए नेहा जी, आप देख रहे हो कि ये दो चीजें हैं, ये कितनी जल्दी आप मीडिया वाले भी पूछते हैं, दूसरे लोग भी पूछते हैं। आप देखिए कि किसानों के लिए जो इतना कुछ ध्यान जा रही है उसके लिए कुछ नहीं हो रहा। आप देखो ये प्री प्लान तरीके से किस तरीके से गाड़ियों से कुचल कर किसानों को मार दिया, और प्रधानमंत्री जी या दूसरे बीजेपी के किसी नेता ने अफसोस तक किसी ने जाहिर नहीं किया, ये हो क्या रहा है देश में? नहीं तो आप क्या चाहते हैं सर, क्या चाहते हैं? बंद बुलाकर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या मांग है आप लोगों की? आप देखिए यही एक है कि विरोध जताया कि किसानों की बात सुनी जाए और उनके उनके ऊपर ऐसे अत्याचार ना किए जाए, और जो ये मित्र गृह मंत्री जी का जो बैठे हैं इनको जो है ना कड़ी से कड़ी सजा दी जाए इतने दिन की इनको गिरफ्तारी में। आप सोचो कि इनको इतना मतलब लेट गिरफ्तार किया, तो इसका मतलब सरकार गंभीर नहीं है। ठीक है, गिरफ्तार तो सर कर लिया है, पुलिस रिमांड पे भी भेज दिया है, अब बताइए कितनी जद्दोजहद के बाद किया, तो इस तरीके से मतलब ये तो सरकार गंभीर नहीं है कि किसानों अब बंद से क्या होगा? अब बंद से क्या होगा मुझे बताइए ना, कि किस तरह का सर आप समझते हैं? देखो पूरा देश सुने और पूरा देश को लगे विरोध जताने का एक तरीका, और क्या करें? वैसे तो गाड़ियां चढ़ा नहीं सकते कि भाई लोगों के ऊपर ऐसे गाड़ियां चढ़ा दो। मतलब आप किसानों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपका हितैषी हैं, देखिए हमने आपके लिए महाराष्ट्र को बंद कर दिया, ये दिखाना चाहते हैं? देखिए किसानों के साथ हम खड़े हैं, किसानों के ऊपर अत्याचार ना हो और किसानों के ऊपर ऐसी जो धरती जो इस तरीके से ये जो किया है ऐसा नहीं हो प्रदेश में, तो एक इससे ये एक मैसेज जाना चाहिए। तो ये मैसेज देने के लिए आप लोगों ने बंद किया था? क्योंकि किसानों के साथ शिवसेना खड़ी है और खड़ी रहेगी, लेकिन इस चीज को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि भाई इस तरीके से किसानों के ऊपर जो अत्याचार किए जाएंगे इसको शिवसेना। मैं इसको इस तरह से देख लूं, इस तरह से लूं विक्रम जी, कि आप लोगों ने किसानों को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि महाविकास आघाड़ी सरकार आपके साथ है। देखिए बिल्कुल, और हमारी मांग है कि भाई यहाँ पे मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, गृह राज्य मंत्री को तुरंत इस्तीफा ले लेना चाहिए था। आप देखो महाराष्ट्र के अंदर या जहाँ पे बीजेपी की सरकारें नहीं है वहाँ पे कुछ भी होता है इस्तीफे की मांग करते हैं, वो ये खुद कुछ मर्जी करते रहे। ठीक है, इनको अतुल शाह जी भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अतुल शाह जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, महाराष्ट्र में बंद बुलाया गया महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से, जिसका मिला जुला सब देखने के लिए मिला। अब सवाल इस बात को लेकर है, इन लोगों का कहना है, इन विपक्षी पार्टियों का कहना है कि एक तो इतनी लेट लतीफी गिरफ्तारी में दिखाई आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी में, उसके बाद अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, इसलिए इस बंद को बुलाया गया। कब देंगे इस्तीफा? इस्तीफा और काय की क्या बात, कौन से लोग है ये अपने किसान की तो चिंता करते नहीं है? अतुल जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। जी वो जी रखिए अपनी बात। कौन हो रही, ये क्या है? देखिए आज महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, इतना बड़ा तूफान आया, ये पैसे प्रॉमिस करके आया, एक रुपया दिया नहीं है। आज वो देख कर ही महाराष्ट्र का किसान पर आज घरों में वहां पर सीमा जी इस तरह के आरोप लग रहे हैं सरकार पर, और ये कहा जा रहा है कि जबरदस्ती लोगों को घर पर रहने को मजबूर किया गया, और अगर इस तरह से किया गया तो हम भी सड़क पर उतर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल निराधार आरोप है, कोई आरोपों में कोई सच नहीं है, हमने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करी, और किसानों के साथ जो है हम महाविकास आघाड़ी सरकार तो है, और जो लोग हैं महाराष्ट्र के वो भी हैं, कि महाराष्ट्र में भी तो किसान है,
उन्होंने भी देखा है कि लखीमपुर खीरी में किस तरह की घटना हुई है। तो हमें किसी को जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो ट्रेड यूनियन हो, सबने समर्थन किया है उसका। समर्थन हमने मांगा लोगों से कि आप हमको करिए, पर हमने किसी के साथ जबरदस्ती करी है, कुछ ऐसा करा है, इस तरह के आरोप जो है ये बिल्कुल निराधार है और शायद बौखला गए। वो सफलता से हमारी जो ये बंद जो है इतना सफल रहा है, इससे शायद मेरे ख्याल से बीजेपी काफी बौखलाई हुई है। लेकिन लेकिन मैम कानून अपना काम कर रहा है, आशीष मिश्रा गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस रिमांड पर है, उसके बावजूद भी बंद रखना। देखिए आशीष मिश्रा गिरफ्तार हो चुके हैं, बराबर आपको क्या लगता है कि उनके फादर जो गृह राज्य मंत्री हैं, वो उनके रहते हुए पद पर रहते हुए क्या आपको लगता है कि उनको न्याय मिल पाएगा किसानों को? ठीक है, अतुल शाह जी, क्या न्याय मिल पाएगा किसानों को, ये भी एक सवाल एनसीपी उठा रही है, शिवसेना उठा रही है। देना चाहिए अतुल जी, होम मिनिस्टर अनिल देशमुख इनकी चिंता करे, ये भगोड़े हैं, इनका कमिश्नर भगोड़ा है। यहाँ तो जो मिश्रा जी का लड़का है वो तो आज वो उसने उनको अरेस्ट कर लिया है, इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई है। आप आपकी चिंता कीजिए, महाविकास आघाड़ी ये किसानों को जो आप वायदे करके आए हैं वहाँ पर, और वो वायदा पूरा कीजिए, वो उत्तर प्रदेश का तो देखा जाएगा। लेकिन अतुल जी एक सवाल तो यहाँ पर है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे के खिलाफ कैसे पुलिस कार्रवाई करेगी? क्या पुलिस पर दबाव है क्या? इतनी लेट लतीफी, पहले गिरफ्तारी में है और उसके बाद अब रिमांड पे अगर भेजा है, तो क्या उस तरीके से पूछताछ हो सकती है जैसे एक आरोपी से पूछताछ होती है? नहीं नहीं मैं समझा नहीं, सवाल थोड़ा सा वीक है यहाँ पर सिग्नल मैडम। अतुल जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे के साथ क्या एक आरोपी जैसा व्यवहार किया जाएगा? नहीं नहीं, ये तो जांच में निकलेगा, ले लिया है और सारी जज ने सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड जज को पास दिया हुआ है, तो सारा दूध का दूध पानी का पानी निकलेगा। ये तो घाई कर रहे हैं, ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और विशेष कमा हमारे महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी ने, दो साल कोरोना था, लोग त्रस्त त्रस्त हो गए हैं, आपके चैनलों ने इंटरव्यू लिया है सुबह से, ऐसा नहीं बोला है कि हम बंद के साथ है, उन्होंने कहा है कि राजनीति है, हमको काम करने दो, बंद नहीं। और वैसे भी ये सरकार तो उद्धव जी तो घर पे ही थे पिछले दो साल से। लेकिन अतुल जी जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, क्या नहीं लगता जो विपक्ष है उसकी मांग जायज है, मान लेना चाहिए उसे? अतुल जी, हाँ जी, क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष जो मांग कर रहा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए जब तक जांच नहीं पूरी हो जाती, तो क्या नहीं लगता आपको कि विपक्ष की मांग जायज है? जांच होगी ना, और उसमें केंद्रीय मंत्री को क्या इस्तीफा देने का क्या कारण आ रहा है? सर, ऐसा मंत्रालय जिसके अंदर पुलिस आती है उसके हेड है अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, आपके महाराष्ट्र में, हमारे महाराष्ट्र में तो सारे मंत्री निकले हैं वसूली कर, 100 करोड़ रुपए वसूल करने निकले और वो भगोड़े, तो क्या उद्धव ठाकरे जी रिजाइन नहीं करना चाहिए? शरद पवार जी बोल रहे हैं उसपे चुप क्यों है? आप लोग उसपे चुप क्यों है? क्या उसपे आप लोग बंद का आह्वान नहीं करते हैं, नहीं बुलाते हैं बंद? ये जो हम जिस टॉपिक पे हैं उस पे ही रहे तो अच्छा है। नहीं नहीं, का टॉपिक ये पूरा वायलेंस के ऊपर किसानों के समर्थन में हमने बंद करा है आज। अरे काय का आपने, आपके शेतकरी की चिंता कीजिए, महाराष्ट्र में जो किसानों के हाल है, ये हमने ये पूरे देश के किसानों के एकता है उसमें, सभी किसानों, अरे देश के किसानों का समर्थन है उस आंदोलन के लिए। केवल इसको तो इस तरह से भी लिया जा सकता है कि बैठे बिठाए कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को एक मौका मिला है, जीत चला देते हैं, कुचल देते हैं, तो ये क्या छोटी बात है? लेकिन बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है ना कि शवों पर राजनीति करती है विपक्षी पार्टियां। कहने को आप कुछ भी कर रहे हैं, कहने को आप कुछ भी कह लीजिए, वो एक अलग बात है, पर अगर आज हम अपने किसानों के साथ हम नहीं खड़े होते हैं तो कौन खड़ा होगा? आप ये बताइए, है ना? और इनको क्या प्रॉब्लम है? अगर हम आवाज उठा रहे हैं किसानों के लिए तो क्या ये आवाज नहीं उठा रहा है, आपने दादागिरी करके बंद करा है, आज कोई दादागिरी कोई दादागिरी को मारा, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाना सीमा की जायज है क्या? ऐसे
सरकारी संपत्ति हमारे कार्यकर्ताओं ने हर सारा आंदोलन नहीं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए हम लोग की सरकार जी हमारे महा विकास आघाड़ी है, महा वसूली आघाड़ी, इनके नेताओं ने जो कराया है वो है उसके लिए जवाबदार। ये ढोकलापना, ये ढोंगीपना, अरे मावल में एक बार हुआ था कुछ बोल तभी जालियांवाला बाग याद नहीं आया कुछ बोलिए सरकार थी उनके लिए क्यों नहीं बोलते आप? जिन किसानों को, निर्दोष किसानों को कुचल दिया जाके, उनके लिए आप कुछ नहीं बोल रहे? अरे क्या वो तो निकलेगा, ये बता दीजिए किसको क्यों, वो तो निकलेगा, इंक्वायरी निकलेगी, इंक्वायरी निकलेगी और वो निकलनी भी चाहिए। अतुल शाह जी, अतुल जी, अतुल जी, क्या बोले अतुल जी, लेकिन निष्पक्ष तौर पर जांच हो, लेकिन निष्पक्ष तौर पर जांच हुआ अतुल जी, उसके लिए अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफे की मांग की जा रही है उनके तो क्यों नहीं ले लेते? आप लोगों को दिक्कत क्या है उसमें? नहीं नहीं, ये महाविकास आघाड़ी है ना, पहले अपना इस्तीफा दे वहाँ पर, उद्धव ठाकरे जी इस्तीफा दे वहाँ पर, गोरा जी इस्तीफा दे वहाँ पर, अजीत पवार जी इस्तीफा दे। अरे उनके तो कमिश्नर और गृह मंत्री को एब्सकॉन्ड नहीं है, यहाँ तो गृह राज्य मंत्री का लड़का उसको अरेस्ट किया है, इंक्वायरी होगी उसमें। ये इतने की बात कहाँ आई आपका डोगरा पलाट की राजनीति? किसानों के लिए आपने कुछ नहीं किया, किसानों को जो वायदे दिए थे, किसानों के महा विकास आघाड़ी ने तीन आपको बता दें कि आज ठीक है आज बंद बुलाया और मिला जुला असर उसका देखने के लिए मिला, लेकिन क्या सरकार पर दबाव बना पाई केंद्र सरकार पर, महा विकास आघाड़ी सरकार, ये वाकई अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दे। इस मांग को लेकर आज एक बार फिर से अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाया गया और महाराष्ट्र बंद बुलाया गया। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।